भेष तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं क्या करूँ, मैं एक मझधार में फंसा हूँ, राइट जाओ लेफ्ट जाओ कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, मेरा बिल्कुल बोल रहा मैं वही फैसला करूँ। वजह ये है कि जो मेरी वाइफ है जिसका शो में नाम है डिम्पी रॉय, जिसको मैं प्यार से डिम्पी डार्लिंग कहता हूँ, मानसी श्रीवास्तव प्ले कर रही है, तो ट्रैक कुछ ऐसा गया था कि उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जब वो घर से बाहर जाती हैं तो अभी मतलब रिसेंटली एक जब सावी को चाकू वगैरह लगता है तो हम लोगों को पता लगता है कि डिम्पी भी वहाँ उसी हॉस्पिटल में है। तो थ्रू वेदिका भाभी आई कम टू नो दैट शी इज़ प्रेग्नेंट। तो मुझे पहले ऐसा लगता है कि शायद किसी और का बच्चा होगा, क्योंकि उनको घर से बाहर निकाले हुए ऑलरेडी 6-8 महीने हो चुके हैं। तो लेटर ऑन मुझे ये बात पता लगती है कि उनके पेट में मेरा ही बच्चा है। तो वो किसी बहुत ही, उनके पास पैसे नहीं है बिल्कुल भी, शी इज़ प्रेग्नेंट, 8 months प्रेग्नेंट, एंड मैं पैसों से उनकी मदद करने के लिए जाता हूँ जहाँ वो रहती हैं, एक झोपड़पट्टी में, एक गरीब बस्ती के अंदर रहती हैं वो, तो वहाँ पैसे के लिए मदद करने, पैसों की मदद करने के लिए जाता हूँ, जिसको वो रिफ्यूज़ कर देती हैं। फिर उसके बाद मुझे ऐसा फील होता है कि उनको, वो इस हालत में नहीं है कि उनको अकेला छोड़ा जाए, हालांकि उन्होंने मुझे अपनी कसम दी है कि मैं उनके कारण अपना घर छोड़कर ना आऊं, लेकिन शी इज़ सो अनकम्फर्टेबल स्टेइंग इन दैट प्लेस एंड दैट टू अलोन विदाउट एनी काइंड ऑफ हेल्प। तो फिर मैं जो उन्होंने पुराने जितने भी पाप किए हैं मानसी जी ने, यानी कि डिम्पी डार्लिंग ने, तो मैं वो सब पाप भुला के और सारी चीज़ें भुला कर मैं उनके साथ जा रहा हूँ रहने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने इतनी ज़्यादा वाट लगा के रखी थी घर के सब लोगों की कि उनको घर के अंदर अब वापस नहीं लिया जाएगा। तो देर इज़ नो अदर ऑप्शन बट मुझे ही जाना पड़ेगा उधर, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो वही ट्रैक हम लोग अभी शूट कर रहे हैं। मेरा फैसला मुश्किल है पर मैं ये फैसला ले चुका हूँ। मुझे तेरा ये फैसला मंजूर नहीं है। और जी मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा, मैं आप में से किसी को भी छोड़कर नहीं जा रहा, आप सब लोगों से मिलने के लिए मैं रोज आऊंगा। मैंने कहा ना तू यहाँ से नहीं जाएगा, मतलब कि नहीं जाएगा। सज्जन भैया के प्यार और साये के बगैर पला है, तेरे पास तो परिवार भी नहीं था। तुम लोगों से बेहतर ये बात गलत कौन समझ सकता है, बिना बाप के बच्चों की जिंदगी कैसी होती है। परिवार को दुखी कर दिया है क्योंकि क्योंकि हमारे जो एक मेरे बड़े भैया थे जो कि नित्यम के फादर थे, वो सुसाइड कर लेते हैं अपने यूथ में ही, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को अकेला छोड़ के। तो जो हमारे भाऊजी, उनके दो ही बेटे थे, एक बड़ा भाई सत्यम और दूसरा मैं हिमेश, तो वो तो पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं, और दूसरा बचा मैं। अगर मैं भी घर छोड़ के चला जाऊँगा तो आप घर के अंदर से कोई मेल माइनस होता है या फीमेल माइनस होता है, कोई भी एक सदस्य अगर जाता है तो सिचुएशन काफ़ी ट्रबलसम हो जाती है। खाली घर के अंदर लोग उन सदस्यों को ढूंढते रहते हैं जो नहीं है, तो इसीलिए सब लोग परेशान हैं कि मैं ऐसा फैसला क्यों ले रहा हूँ। लेकिन मेरी जो अटेंशन है इस समय, जो मेरी लॉयल्टीज़ हैं, वो दो हिस्सों में बटी हुई हैं। तो मैं घर वालों के साथ भी रहना चाहता हूँ, मैं डिम्पी के साथ भी रहना चाहता हूँ, तो बस वही फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं किस तरफ जाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डिम्पी को इस समय मेरी ज़रूरत ज़्यादा है, तो मेरा जो वेट है वो उस तरफ ज़्यादा, झुकाव ज़्यादा हो गया उस तरफ। हम तो नित्यम के साथ और तुम बाप की साइड की बात कर रहे हो, तुम्हें कैसे यकीन है कि उस बंगालन में, उस बंगालन के पेट में तुम्हारा बच्चा पड़ा? हुआ दादी जी बिल्कुल सही कह रहे हो, आप इतना श्योर कैसे हो सकते हो कि वो बच्चा आपका ही है चाचू? सोनम से हटकर बातें कर, यहां एक होने वाले बच्चे के बारे में बात कर, उसका क्या होने वाला है वो बात कर। मुझे लगता है ये पैसा सिर्फ इमेज को लेना चाहिए। चुप हो जाओ सामने, चुप, अपनी अच्छाई की दुकान बंद हो, घर की बहू
बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर आप लोगों ने शो बीच में मिस किया है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन जाकर वूट के ऊपर ये शो देखिए और शो को टेलीकास्ट के टाइम पर आप ज़रूर 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 देखिए, क्योंकि वही जो TRP होती है वो हमारी काउंट होती है। द शो हैज़ बिकम रियली इंटरेस्टिंग, आपको पलक झपकाने का मौका भी नहीं दे रहे हैं हम लोग, तो आप लोग प्लीज़ इस शो से चिपक कर रहिए, इसको देखिए। अगर आप इसको देखेंगे हमारी TRP आएगी, तभी हमारे मेहनत करने का फ़ायदा है। अभी जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमने 1-1 घंटे के 7 एपिसोड दिए थे, आप किसी भी शो में देख लीजिए, 1 एपिसोड होता है तो पूरा का पूरा शो हिल जाता है। एक महा एपिसोड होता है 1 घंटे का, तो पूरा का पूरा शो हिल जाता है। हम लोगों ने 7 एपिसोड दिए हैं डेली सोप में, 7 डेज टेलीकास्ट में, हम लोगों ने 7 महा एपिसोड दिए हैं 1-1 घंटे का। बहुत ज़्यादा मेहनत की है, हम लोगों की हालत रियली 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 टाइट हुई पड़ी है, तो आप लोगों से सिर्फ हाथ जोड़ के यही विनती कर सकता हूँ कि आप शो को टेलीकास्ट टाइम पर ज़रूर देखिए, ज़रूर देखिए, ज़रूर देखिए। और अगर आपकी TV की दुकान है तो आप कैसी बातें कर रहे हो तुम सारी की? मेरा मामला, मुझे भी तो कुछ बोलने दीजिए ना।